2019 को मेरी शादी सैयद नसीर से हुई थी, जो मादनापेट के रहने वाले हैं। शादी के बाद से ही चुल्लों के डिमांड शुरू हो गए थे पैसों के वास्ते। शादी के बाद और एक्स्ट्रा सोना डिमांड करे तो मेरे पेरेंट्स वो भी दिए। शादी के बाद रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डिमांड करे तो मेरे पेरेंट्स 500 गज का घर दिए। उसके बाद शादी के 6 महीने बाद मैं बाहर जाने की कोशिश करी, तो मैं बाहर जाना बोल तो मेरे पेरेंट्स पैसे देना बोले, तो मेरे भाई, मेरे बड़े भाई US से $1500 भेजा है उनको, सेकेंड भाई $2500 भेजा है उनको। उसके बावजूद नहीं, मैं आके तुमको लेके जाता हूँ बोल के उन्होंने यहाँ पे आ गए। लॉकडाउन होने की वजह से दोनों भी यहीं रह गए। उसके बाद से उनको यहाँ पे कुछ काम मिला नहीं। मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बावजूद भी उनके पास कुछ काम नहीं था, तो मैं कोविड में ड्यूटीज़ करके उनको पैसे देती थी। जब तक मैं पैसे दी सब अच्छा था, पैसे ले रहे थे, 5-6 लाख रुपए ले लिए। मैं शेयर मार्केट में बिजनेस करता हूँ बोल के 3 लाख रुपए लेके वो पैसे भी डुबा दिए। फिर भी मैं खामोश थी, कुछ काम करेंगे अब नहीं तो कभी करेंगे, काम करेंगे, बिजनेस करेंगे बोल के। उसके बाद जब बॉर्डर्स खुलना शुरू हुए तो उन्होंने फरमाइश रखी कि तुम्हारे पेरेंट्स के पास से 15 लाख रुपये लेके आना, मेरे को बाहर जाना है। मैं तुम्हारे को लेने आके यहाँ पे अटक गया, मेरे पेरेंट्स नहीं लगा सकते, तुम्हारे पेरेंट्स लगाना। बोली मेरे पेरेंट्स तो नहीं लगा सकते 15 लाख, तो उन्होंने मेरे ऊपर मारम तोड़ी शुरू कर दिए। मैं हॉस्पिटल में जॉब पे थी तो उन हॉस्पिटल को आके मेरे को वहाँ से झगड़ा करके घर को ला के घर में बंद करके उसके पेरेंट्स भाई बहन सब जने मिल के मेरे ऊपर मारम तोड़ी करे। तो मैं जब ही वो इस घर में से 100 डायल करके पुलिस कंप्लेंट करी मादनापेट को, तो मादनापेट PS में कंप्लेन करे, हमारी बेइज्जती करे, अब हम ये बच्ची को नहीं रख लेते बोल के अल्लाह मेरे को 1 साल से हमारे अम्मा के घर पे छोड़ दिए। उस वक्त पे मेरे पास 6 महीने का बच्चा था मेरा, 1 साल हो गया, 1 साल से उन्हें आर आ ना करा। ये इंसिडेंट जून में हुआ, जून 2020 में हुआ, 21 में हुआ, जून 2021 में। उसके बाद में मैं वुमेन PS में कंप्लेन दी, वो केस चल रहा नामपल्ली कोर्ट में चल रहा, 2 हियरिंग्स भी हो गए, बट उसके घर वाले आ रहे ना उन आ रहा, मेंटेनेंस केस चल रहा उन आया, बट नहीं मेरे पास लॉयर रखने के पैसे नहीं है, मैं लॉयर नहीं रख सकता बोल के बोला। लास्ट अगस्त में छुई थी वो हियरिंग, अगस्त की 18 को हुई थी, आया। अब उन्हें आज मेरे को 10 बजे मालूम हुआ कि उसका रिसेप्शन चल रहा हिल्टन फंक्शन हॉल में, उन्हें कल शादी कर लिया बोल के। अब मेरे पास 2 साल का बच्चा है, मैं 1 साल से उसका वेट कर रही हूँ, उन्हें आता आज नहीं तो कल सुधरेंगा, उसको रियलाइज़ हुएगा मैं उसके साथ क्या करी, उसका बच्चा है बोल के। अब उन्हें दूसरी शादी कर लिया, अब मेरी ज़िंदगी का क्या, मेरे बच्चे की ज़िंदगी का क्या, उसके घर कैसा मालूम हुआ? हमारे मामू से मालूम हुआ, हमारे मामू उसको गाड़ी में जा रहे तो देखे, जब मालूम करे तो उसका वलीमा है बोल के हमको फ़ोटोज़ भी आए। वो फ़ोटोज़ देखने के बाद जब हम गए वहाँ पे फंक्शन हॉल, तो हम सामने के गेट से जा रहे थे, तो उन्हें पीछे के गेट से भाग गया हमारे हाथ। हिल्टन फंक्शन हॉल मोइनबाग पेट्रोल पंप के ऑपोजिट में है। PS में कंप्लेंट करी आप? हाँ, अब आके PS में कंप्लेंट करी मैं, संतोष नगर PS में कंप्लेंट करी। मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, 1 साल से मेरे को अम्मा के पास छोड़ दे के उन्हें दूसरी शादी कर लिया। मेरे पास अब 21 महीने का बच्चा है, वो बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाना, मेरी जिम्मेदारी क्या? मुसलमानों में 4 मैरिज जायज़ है, तो हर वाइफ को इक्वल हक देना है। 1 साल से मेरे को मेरे बच्चे को छोड़ दे के उन्हें मेरे साथ नाइंसाफ़ी करके दूसरी शादी कैसा कर लेता, मेरे को बोले बगैर, मेरे को मालूम हुए बगैर, मेरा कुछ फ़ैसला करके, मेरे साथ कुछ इंसाफ करके तो कर लेना। उसके घर वाले कैसा कराते, उसके घर वाले, उसके ताया जब बीमार थे, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं उनको हॉस्पिटल में रिक्वेस्ट करके सेकेंड वेव में बेड दिलाई, उन्हों आज उसको घर में रख के उसकी दूसरी शादी करा रहे, जिसकी जान में बचाई ना उन्होंने, उसको घर में रख लेके उसकी दूसरी शादी करा रहे। उसके ताया, उसके खालू, उसके घर वाले सब मिले हुए हैं, और जो पैसों का है ना लालच, उसके अम्मा बाबा का बहुत है इसमें। उसके अम्मा बाबा उसको हमेशा सिखाते पैसे पूछना पूछना करके। मादनापेट में रहने वाले है, मस्खती ग्राउंड के पास। उन्होंने न्यूजीलैंड से आए बाद तो 1-1.5 साल कुछ भी नहीं करे, जब मेरे को मार के घर से निकाल। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम अब्दुल वहीद है और मेरी बहन का नाम डॉक्टर सना समरीन है। 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी, रिश्तेदारों में ही है बच्चा, न्यूजीलैंड में बोल के दिए थे। 6 महीने के बाद में बच्चा आ गया था न्यूजीलैंड से, आ जाने के बाद लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में फिर बच्चे के पास नौकरी नहीं थी। बहन प्रेगनेंट थी हमारी, तो बहन डॉक्टर है, काम कर रही थी, नौकरी कर रही थी, करने के बाद में हर चीज़ का खर्चा वगैरह देख रही थी, बच्ची पैसे ले लेना, बच्ची का कार्ड वगैरह भी उसी के पास रहता था। उसके बाद में जो है 2 साल तक ऐसे ही चला। चलने के बाद में हाल ही गए 100 साल जो है मार्च के महीने में, जब पैसे नहीं देते बोल के बोले, तो जब से टॉर्चर शुरू हो गया।
उससे पहले ही जो है बच्चा जब बाहर था तो उनके वालदा अल्लाह बोले थे तो उन लोगों को फिर जॉइंट प्रॉपर्टी भी एक दिलाए हम हमारी तरफ से हमारी बहन को और उसके दोनों के नाम पे जो है हमको एक घर दिलाओ बोल के बोले। फिर सोना पूछे तो एक्स्ट्रा सोना भी दिए। जब आखिर में जब 15 लाख की मांग हुई जब बच्चा बाहर जाने के वास्ते कोविड के बाद में तो हम नहीं दे सकते बोल के जब बोले तो बच्चे के साथ जो है सितम होना शुरू हो गया। तो बच्ची को जब घर में मार रहे थे तो बच्ची 100 डायल करी तो जो है मादनापेट PS से लोग आए आके बच्ची को जो है छुड़ा के फिर अभी से हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे जो है बच्ची के मारों को वगैरह देखे इंस्पेक्शन हुआ फिर जो है कंप्लेंट करे वुमेन PS में कंप्लेंट हुई और कोर्ट में केस डाले। कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा और आज जो है हमको पता चला कि जो है उन्हें निकाह कर लिया। तो जब हम आए तो उसका वलीमा चल रहा था तो हम पुलिस स्टेशन 100 डायल करे वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद जो है फंक्शनल वालों को बोले ऐसी ऐसी बात है पुलिस वाले बोले तो बुला के बात करने के सिलसिले में ही जो है पीछे की गेट से भाग गया उन्हें वहाँ से। ये देखिए भाई इनका नाम सैयद नसीर है खलील के नाम से पुकारते हैं इनको मादनापेट के रहने वाले है और हम लोग वनस्थलीपुरम में रहते हैं। अभी जो है संतोष नगर PS को आए हुए हैं हम। वहाँ पे जो पुलिस वाले आए थे वहाँ संतोष नगर PS को लेके आए यहाँ पे कंप्लेंट दे रहे हैं। अभी वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे पूरे पुलिस वालों के रहते हुए भी जो है उसको पीछे ही गेट से भगा के लेके चले गए फंक्शन हॉल से उसको। घर के बच्चे के लोगों को किसी पहचानते नहीं थे आप लोग? जी ये जो है हमारे छोटे खालू के बहन का बेटा होना है तो वैसा रिश्तेदारी में करने के बाद में जो है जब ये लड़े झगड़े हुए तो उनके बच्चे के मामू खुद भी जो है उनसे बात करना छोड़ दिए कि गलत है बोल के जो है उनके मामू भी बीच में नहीं आ रहे। अभी कई जनों से छुपा के जो है शादी कर लिया इन्हें। शादी कर रहे थे उनका बच्ची वालों का कुछ आइडिया नहीं है। और उनके घर पे जब हम गए जब जैसा हमको इतला मिली तो घर के पास पूरा अंधेरा है कुछ नहीं है रिश्तेदारों के घर पे रहते हुए शादी कर लिया। तो ये कब क्या टाइम पे मालूम आप लोगों को? हम लोगों को 8:30 बजे के आसपास मालूम हुआ। तो जब हम उनके घर के पास गए तो वहाँ पे कोई नहीं मिला। तो फिर जब उनके रिश्तेदारों के घर के पास हम गए तो लोग तैयार होकर जब जा रहे थे तो रिश्तेदार जब फंक्शनल को आए तो जब मालूम हुआ हमको कि अरे हाउ इसकी छोड़ के कंफर्म हुआ हमको। फंक्शनल में किसी से बात नहीं करी आप रिश्तेदारों से? फंक्शनल में जब हम जाने की कोशिश कर रहे तो वहाँ से जो है बहस करके भगा दिया हमको तो हम पुलिस स्टेशन को आए। तो नौशा दूल्हा कहाँ पे था? जी शादी खाने में दूल्हा था। हम जो है हमारे एक दोस्त साहब जाके अंदर से फोटोज और वीडियोज भी लेके आए उसके। अच्छा